रंग बिरंगी साड़ी धोया जना हो, तुम रसनी हम लिजुला रोया जना हो। यस सर। आशिकी वीडियो बताओ। दो से ढाई बज गए होंगे, कुछ हमें आइडिया लग रहा है। तो दोबारा घड़ी दिखा अपनी। दोस्तों नमस्कार, पहला वेलकम है तुम्हारा हमारे व्लॉग्स में। तो आपने पीछे के व्लॉग्स देखे होंगे, तो हम अल्मोड़ा और डोलासन वगैरह गए थे। तो अभी जो हम हैं यहाँ पे राम सिंह मेहरा होम स्टे में है, जो कि मेरे फ्रेंड का है, और कभी भी आप लोग भी आ सकते हैं, कभी आपका मन हो तो। इनका ये है जो गेस्ट हाउस है, एक ये है, एक वो सामने वाला है, और एक पुराना ये वाला है। ये वीडियो में भी वायरल है, इसका फ्रंट मैं आपको अभी थोड़ी देर में दिखा दूंगा। अभी हमारा हो रहा है नाश्ता करने का टाइम, थोड़ा लेट हो गया है। और अभी सीन क्या आएगी ना, पीछे के जो व्लॉग हैं जो मैंने डाल दिए हैं अब, तो खैर, तो फिर उनके लिए मेरे को लैपटॉप की जरूरत पड़ रही है। मैं लैपटॉप यहाँ लाया नहीं, क्योंकि डेटा पहले मैं फ़ोन में ट्रांसफ़र करता हूँ, फिर एडिट करता हूँ, फिर मेरे को डालना पड़ता है। तो ये चीज़ है। तो फिर अभी जो सूरज है वो करवा रहा है लैपटॉप का जुगाड़ कहीं ना कहीं से, तो मैं अभी डेटा ट्रांसफ़र करूँगा। तो चलो अब हम खाने चलते हैं और आपको और लोगों से भी मिल पाता हूँ। ये है हमारे सूरज भाई, ये हमारी धर्म पत्नी, ये पूनम उठाएगी ना अभी, और ये हमारे आंटी। आंटी जी, आंटी ले जाओ वहीं पे सामने कैफे में। तो ये है हमारी आंटी जी का किचन, वो हमारी भौजी बैठी हुई है, बहुत टाइम बाद मिलने वाला हमारा। ब्याह में तो मैं गया था इनके, है और तो कुछ नहीं है, हस्बैंड तो दिखे ही नहीं है, वहीं खाना चल रहा है। चलो चलो ठीक है खाओ। एक हमारे यहाँ के जो रक्षक हैं, एक ये रहा, एक वाइट वाला पता नहीं कहाँ है अभी, वो जहरी है, इसका पता नहीं क्या नाम है जो बंधा हुआ है। और ये तो हमारे निहाल जी हैं। नमस्कार जी, यहाँ पे बहुत भल लगा राम सिंह मेहरा जी के होम स्टे में आके, वन ऑफ द फाइनेस्ट होम स्टे आई हैव एवर सीन, मतलब दिस इज ब्यूटीफुल एंड वेरी लग्जीरियस। ये जा रहा है, हर किसी के पीछे लग जाता है। तो ये है भाई साहब इनका कैफे, बढ़िया। अरे पूनम ने अभी तक रोटी रखी नहीं, मोबाइल पे लग गई है। तो ये इनके सामने का सीन है, और इनके पास मुर्गियाँ भी हैं, देसी मुर्गियाँ। और ये है भाई साहब इनका कैफे, और ये तो इनको तो पहचानते हो, ये यहाँ पे अगर किसी को बुक्स वगैरह पढ़ते हो। हाँ ये कैफे, मैं बताऊँ, ये जो आप ये चेयर देख रहे हैं, ये चेयर पता, ये जो चेयर है ना, ये एक टाइम के लिए ऐसी हो गई थी कि मतलब ऐसी कोड़े में रख रखी है तुमने, वैसी रखी नहीं है। उसके बाद ना, तो उसके बाद इन्होंने क्या करा है, इस चेयर को ना थोड़ा रेनोवेट किया है, मतलब ये कवर वगैरह लगा के पॉलिश करके, और ये कितनी एंटीक लग रही है, देखो वो चीज है। और ये इनका वो है कैफे, और बुक्स अगर किसी को पढ़नी है वो बुक्स पढ़ सकते हैं यहाँ पे। और ये सिटिंग एरिया, बोलो तुम ही बोलो, तुम बोलो, बोलो जी, वीडियो बना रहा हूँ, बैक में आवाज आती है। जिम का इक्विपमेंट भी है, ये जिम के इक्विपमेंट भी है। तो मेरी वीडियो लेना फिर। या बोलो बोलो, कैसा लग रहा है आपको, आप पहली बार आए हैं यहाँ पे, जो ये उत्तराखंड में काफी अच्छा नाम है इनका बडिंग में, तो ये बताएंगे हमें आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे। बता दिया, और इनको ये देखो, इनके सामने जो यहाँ पे तरह तरह के भोग लगाए जा रहे हैं, इसे फोटो क्लिक करवा लेना। चलो यार, फिर अभी हम नाश्ता वगैरह करते हैं, और फिर उसके बाद हम थोड़ा इधर उधर घूमने चलते हैं, तो आपको भी घुमाएंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो में। पहले ब्लॉग एडिट करेंगे। हाँ यार, वीडियो ब्लॉग एडिट करना है, पहले डेटा ट्रांसफर करना है, फिर ब्लॉग एडिट करना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो समय हो रहा है, समय क्या हो रहा है पूनम, दो से ढाई बज गए होंगे, कुछ हमें आइडिया लग रहा है। तो दोबारा घड़ी दिखा अपनी, मेरी आदत बन चुकी है। तो अभी हमने खाया है भट और भट की दाल, खैर भट की कोई दाल नहीं होती, वो भट्टी होते हैं, और हमने खाए चावल बढ़िया से मोटे वाले, जो मतलब उसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा था। और मुझे पता है वो बारीक चावल बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, मोटे वाले अच्छे लगते हैं ना, मोटे वाले अच्छे लगते, फील आता है उनमें ना। और एक वो कटे कटे वाले जो बीच से कटे होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, बीच में से कटे होते हैं, हाँ, छोटे छोटे टुकड़े नहीं होते उसके, एक चावल के जैसे दो टुकड़े या तीन टुकड़े ऐसे, अच्छा कटा हुआ, हाँ कटा हुआ चावल, अच्छा अच्छा, हाथ खीर मस्त होते हैं, अच्छा हाँ हाँ हाँ। तो वो चीज़ है, फिर अभी सपना कहीं है तैयार होना, क्योंकि अभी हमें जाना है अल्मोड़ा और मार्केट में, तो वहाँ मूवी वगैरह देखेंगे, फिर देखेंगे कुछ खाएंगे पाएंगे, फिर हमें घर भी निकलना है, तो क्योंकि वहाँ भी थोड़ा काम वाम है, तो वहाँ भी पहुँचना है जल्द से जल्द। और अभी जो न्याल जी है ना, वो नीचे किसी की लड़ाई की आवाज़ आ रही है, तो वो सुनने पर लगे हमें,
होता है ना कि घर में अरे केजो होगो कब है, दूसरे की लड़ाई सुनने में कितना इंटरेस्ट आता है। हां कोलड़मो कब है, जैसी लड़ाई की आवाज सुनी यार ये यहां पहुंच गए। देखना सीधा ये देखना इनको, ये अब तो टेबल बजने की आवाज आ रही खाली है, मारूंगे एक दूसरे को भी। यहाँ पे एक ये ककड़ी लगा रखी है, पता नहीं क्या है ये, काकड़ लगा रखा है, ये ककड़ी है, ये खीरा है, ये छोटा है। ककड़ी जो है मैं आपको दिखाता हूँ, ये पूनम नहीं है सर, वो अंदर एक पीली पीली कलर की है, वहाँ पे आपको दिख नहीं रही होगी, और एक अंदर की तरफ से, हाँ वो है, ये देखो एक ये यहाँ पे है और एक वो अंदर की तरफ पर। अब बढ़िया नींबू हरी है, और नींबू तो यहाँ बहुत और रखे हैं, नींबू हरी ना और ये बात हरे और तली करेला झाला लग रहा हो, ये ठेठ पहाड़ी। ये है हमारी हीरोइन यहाँ की, हमारे आंटी जी, इनके इन्होंने ही उगा रखा सब कुछ। ये अपन घिचल बताओ यार, देखो क्या करो तुम, क्या करो तुम, लाई हरे है ओ गेट हरी आकाल आ ओ लोई गदू नींबू सरियाल सूरजमुखी फूल बीन्स, और क्या है, तोरी है, तोरी है, सब कुछ है, हाँ है? और क्या, इन्होंने इसको ऐसा बना दिया कुछ, जाओ पहाड़ो ये बस ना चलाने के रखे ना हमें। सही है यार, ठीक नहीं कर भाई, मैंने कहा ठीक कर, तब ये उत्तराखंड में था ना, घूमबा चले वाला, तब ये उत्तराखंड में, लगभग यूपी का भी 01 ये था, उत्तर प्रदेश वो सारी उसमें यूपी में था। तो अभी मैं, नयाल, पूनम और मेरी वाइफ और सूरज जा रहे हैं मूवी देखने RCM, और बहुत अच्छा मॉल है, मॉल भी है, और दूसरा वहाँ पे थिएटर भी बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छा पोर्ट्रेट बनाया हुआ है विवेकानंद स्वामी का, और यहाँ पे नयाल वगैरह सब रेडी हो रखे जाने के लिए, और यहाँ पे फूलों से भरी क्यारी राम सिंह मेहरा होम स्टे की, और ये आप यहाँ से डिटेल इनकी ले सकते हैं, द फर्स्ट मैन ऑफ कसार राम सिंह मेहरा होम स्टे, यहाँ द लिखना भूल गए। तो यहाँ पे हम ट्रिपलिंग करके जाने, जो कि बहुत गलत बात है, पर कोई बात नहीं। क्या बोला तूने? मैं दूसरी बाइक में थी तो उन्हें अच्छा नहीं लगा, हाँ बैठी है, कल नयाल जी के साथ बैठी थी ये बदतमीज। अगर आप कभी आते तो आपका ऐसा व्यू दिखने को मिलेगा यहाँ से, इन्होंने बिठाया नहीं मेरे को तो मुझे यहाँ बैठना पड़ा। तो यहाँ पे हमें सूरज ने उतार दिया है, क्योंकि ना पीछे ना पुलिस वाले खड़े हैं, कोई बात नहीं, पीछे पुलिस वाले और ये यहाँ खड़े हैं। हाँ भाई पीछे वालों के पास हेलमेट क्यों नहीं है? हाँ भाई चलो निकलते हैं, हेलमेट का है, हेलमेट हेलमेट क्या तुम्हारा, हेलमेट क्या है तुम्हारा, हेलमेट हेलमेट क्या, अरे बारिश हो गई यहाँ, चालान कटवा लेना, एक परसेंट ने भीमताल में कटा है, अल्मोड़ा में कटा लिया, भीमताल में 500 रुपए चालान कटा है, वो देखो उन भाई का भी कट गया, पीछे आशिकी आशिकी वीडियो बताओ, छोटी बच्ची हो क्या? तो यहाँ पे आ गई घमासान बारिश, और पता नहीं मूवी देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे, और यहाँ पूनम ने ले रखी है फ्रूटी, ये देखो, और इन्होंने मदर टेनिशा, तो हम लोग इनकी शादी तो देख नहीं पाए, तो आज जयमाला करा रहे चापड़ से। दामाद जी अंगना में पधार, उसको बंद उठाया, दामाद, अरे यार कौन सा गाना बजता है इसमें, शादी भी देख ली, बधाई हो दोनों को, तालियां। ये बधाइयां बधाइयां बधाइयां,
जयमाला वही पहले एक ने पहना है फोटो 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 हम यहाँ दीदी लोग की दुकान में मस्ती कर रहे हैं क्योंकि इन्हीं के यहाँ पे हमको ठिकाना मिला है बारिश में। एक घंटे बाद बारिश थोड़ी सी कम हुई है तो अभी हम निकल ही जाते हैं यार और इनको तो चलो हम बैठते हैं इस पे आओ चलो चलो चल रहे कल्पी क्या बोला तूने ऐसे नहीं कह रहा तुम रसैनी तुम क्या क्या लाइन थी क्या लाइन थी रंग बिरंगी साड़ी धोया जना हो तुम रसैनी हम लिजुला रोया जना हो कौन है रुक कहाँ से आते हैं ये इनकी साड़ी है और मेरी साड़ी को बोल रहे हैं तेरी साड़ी रोने लगी तेरी तुम्हारी साइनी को हम ले जाएंगे बाल तुम रोना मत तुम मतलब मैं ना रो करके इनको समझ में नहीं आया अरे ये तो आ गया मुझे भी आ गया ये कोई समझने वाली चीज तो ये देखो रास्ता था 15 मिनट पूरा भीगा वो तो ठीक है नियाल जी पर कितने टाइम तक व्लॉग बनाओगे कौन सा तो फाइनली अभी हम कपिल के घर पे पहुंचे हुए कल्पिल के घर पे पहुंच गए बारिश बहुत खतरनाक हो रही है और आपको यहाँ का व्यू दिखा तो मजा आ जाएगा इतना प्यारा व्यू है यहाँ का ना ये देखो कोई है ही क्या हाल है एग्जाम हो गया कैसा क्या ठीक ये देखिए ये पूरा अल्मोड़ा है और बारिश के मौसम में देखो कैसा हो रखा है वैसे आज हमें निकलना था घर को तो हमने कैंसिल करा अच्छा हुआ प्लान कैंसिल ही कर दिया ये हम इससे थोड़ा हमने कवर किया अपने आप को पर ये भी ऐसी हो गया और ये टावल इसी को सीट पर रख रखा था कि गद्दी ना भीगे और ये भी भीग रहा था गद्दी भी भीग रही थी ऐसा तो दिमाग ही निकाल जी गए तो निकलते हैं हम मूवी देखने के लिए बारिश मुझे अभी भी बारिश आ ही रही है निहाल जी को देखो वहाँ से बिना कपड़े पहने यहाँ अल्मोड़ा के मार्केट में घूम रहे हैं और ये दो नंबर के ऐसे 200-200 रुपए की स्वेटशर्ट खरीद रहे हैं तो क्या कर रहे यार अभी भीग गए बारिश में तो आप पर यही लेना पड़ेगा ये इनकी साइज की इनकी है नहीं और ये हीरो पंथी साड़ी और अभी भी कह रहे मैं पहन के थोड़ा जाऊंगा हैं ये भी हल्की में भी यही है ये तो टी शर्ट नहीं ले रहे यार ये टी शर्ट नहीं ले रही सही है तुम्हारे हस्बैंड टी शर्ट नहीं ले रहे भाई अब यार टी शर्ट लो भाई टी शर्ट लो फटाफट निहाल जी ने तुरंत पहन भी लिया अभी बिल तोड़ रहे हैं इसका आइए कमेंट करके कैसा लग रहा हूँ ये बिल तोड़ रहे हैं इसका बिल निकाल रहे हैं आइए पूनम अपने अलग ही दुनिया में है यार ये पूनम चलो बेटा चलो जल्दी चलो मूवी देखनी है चलो ये क्या तरीका ओए मत ले यार इसने कहा कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं ये मॉल में घूम रहे हैं ये देखो हम मॉल में आए हुए और इनको देखो निहाल जी ड्रेसिंग निहाल जी ने विशाल मेगा मार्ट से अभी शॉपिंग की है और तुरंत ही मतलब पूरे 750 रुपए की शॉपिंग कर दी है ये देखो बीबी को शर्म आ रही है और हम लोग गीले कपड़ों में भाई उसी ने चेंज कपड़े लिए हम सब गीले कपड़ों में ओ बाबरे ये तुम्हारी तो फाइनली हमने टिकट ली है 160 वाली जो हम यहाँ कोई लोग नहीं है नीचे की खोपर की खाली है यहाँ तो बंदे ही नहीं है लोग ही नहीं है हॉल खाली है यार तुम्हारा श्रेणी हम ले जुलर ये इनको एक गाना रट गया बुड्ढा तेरा बाप चौड़े देखने वाली यहाँ पे 4 लोंडे आए थे बैठे हुए सब चले गए पूरा खाली हो गए 200 रुपए वाली टी शर्ट के देखना टी शर्ट मतलब स्वेट शर्ट के देखना कंधे कितने चौड़े हैं या इन सबको देखना ये मूवी छोड़ करके यहाँ मोमोज खाने बैठे हैं इंटर छोड़िए क्या रो भाई अरे ठीक है यार जो भी है मुझे आराम मिल रहा है मुझे अंदर से मेरा जो तन भीगा था ना उसके वो आराम जब कुछ पहनेंगे ना तब चलो ये आ गए हमारे मोमोज खद्दू को देखो हमारी खद्दू को देखो यहाँ पे आए मोमोज खाने के लिए तो यहाँ पे सब मोमोज वगैरह चलो पूनम जल्दी खाओ
कॉफी उठा के लिया है, ये ऐसे नहीं रहा पाए। हाँ जी भैया यहाँ यहाँ सर कॉफी मैम कॉफी सर पैसे पैसे कल मिलेंगे 300 रुपए कल। तो सभी ने मूवी देख लिया, अब हम थोड़ा खाने की ओर चलते हैं, कुछ खा लेते हैं। तो अपना रिव्यू देने से पहले मैं सबका जानना चाहूँगा कि कैसी कैसी लगी मूवी। सबसे पहले हमको तो ये स्टार्ट करते हैं नियाज़ से, कैसी लगी आपको मूवी? यार मुझे मूवी से बढ़िया तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें मैच देख लेना चाहिए था और अपना खाना खा लेना चाहिए था घर में अच्छे से, है ना। तो क्योंकि भीगे हुए कपड़ों से हम आए यहाँ पे, हाँ ये 750 रुपये हमने टी शर्ट और इसमें वेस्ट किए, उसके बाद 300 रुपये कॉफ़ी में, मतलब मुझे तो वर्क नहीं लगी मूवी। नहीं लगी ना? नहीं बस लगी क्या सच्ची बताओ? आइए तो फोन पे लगी हुई थी पागल। साउथ का हीरो कौन था? तो हीरो कहाँ से हुआ वो? अच्छा हीरो था यार वो, हाँ वो है वो शाहिद कपूर वाली मूवी भी आई थी उसके साथ वही है ने। सबरा तुम्हें कैसी लगी? इसी ने तो बर्बाद करवाया पैसे, चुप पैसे बर्बाद करवा दिए। आपको कैसी लगी सर? बहुत बस। तो भाई अगर मैं अपना रिव्यू दूंगा तो बड़ा बेकार दूंगा, बहुत गंदी मूवी। गंदी क्या मतलब, ठीक है वन टाइम है पर मैं बीच में सो गया, इंटरवल के बाद जब मूवी आधे घंटे की बची होगी तो मैं सो गया, मैंने कुछ नहीं देखा। अब मैं कभी ऑनलाइन आएगी तो वो देख लूँगा। तो चलो अब चलते हैं खाने की ओर, कुछ खा पी लेते हैं। इतनी भी नहीं थी जितनी बोल रहे हैं। अरे बेकार थी यार, चल ना। नहीं 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 मैं तो सो गया था, मैं सोया था नहीं सोया था। क्या कर रहा था भाई, क्या कर रहा हूँ तो फोन चला, इतना नशा हो गया क्या मूवी का? ऐसे ब्रेक कौन मारता है? मैं आई लव यू, इसका इसमें डिस करना भी है, ये लाश हो गया। व्हाट आर यू डूइंग यार मैन, दिस इज नॉट फेयर। चलो वो भी चलेगा, मूवी का गुस्सा है मेरे पे निकाल रहे तू। अच्छा इसको रिकॉर्ड करने के लिए तो यहाँ हमने ले ली है सूरज भैया की बुलेट, क्योंकि हम स्कूटी में थे बहुत देर से। तो विशु को पता नहीं क्या मन हुआ, उन्होंने कर ली चेंज, बुलेट गिरा दी। देखो इसलिए जोश में होश ना खोए। नहीं 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 वैसे जल्दी नहीं गिरे हम, धीरे धीरे ही थे, हो गया था। ये रास्ता ऐसे खराब है ना इस वजह से। तो दगड़ियों हम गुरगुर पे पहुंच गई अपने होम स्टे में। तो हमने रास्ते में कुछ खाना वाना ले लिया था, हमने कढ़ाई पनीर और जो कि मतलब पैसा वसूल नहीं था, ठीक ठाक था, मतलब पेट भरने के लिए ठीक था। फिर एक बटर चिकन लिया तो चिकन तरी ही आया, ठीक है। तो नियाल जी ने बोल भी दिया क्या, तो वो थोड़ा भड़क भी गया करा। हमने आप हमारे स्पेशल गेस्ट है सर, हमने आपको दो लेग पीस भी तो दिए हैं। दो लेग पीस तो ऐसे दो छाती थी, कुछ था ही नहीं उसमें। इसको देखो ये छाती की वाला है। छाती है कम से कम लगी, वो दो लेग पीस लग भी गए मेरे शरीर को, मेरी बॉडी बन गई। तो अब बहुत गया, चलो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, घंटी बटन दबे दिया, सब्सक्राइब। अरे यार इसको तो भूल ही गए, पहचानते हो उसको? नहीं पहचानते हो, सब्सक्राइब कर देना। ओके तो इसके चक्कर में जो मूवी के पैसे हमारे ऐसे गए ना, इससे बढ़िया तो हम अमरूद खा लेते, नमक लगा करके। चलो बाय 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 बाय।